फ्यूचर में होने वाली अर्थ को देखना चाहोगे? वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिंग्स कैसे बन गए। वेल, ये सैटर्न जैसे पत्थरों के रिंग्स नहीं, ये सब कुछ है स्पेस डेब्रिस, यानी कि स्पेस का कचरा। अब एक और अजीब सी चीज देखेंगे, ये जो कांच के ऊपर डैमेज है, आपको लग रहा होगा कि ये डैमेज किसी बुलेट ने किया होगा, लेकिन नहीं, ये जो डैमेज ग्लास के ऊपर हुआ है, ये सिर्फ पेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन एक छोटे से पेंट के टुकड़े ने इतना बड़ा काम कैसे कर? वेल, ये कोई नॉर्मल पेंट नहीं, ये है स्पेस डेब्रिस, यानी कि वो कचरा जो हमारी अर्थ के लोअर ऑर्बिट में बिल्कुल आजादी से घूम रहा है, वो भी 20 से 25 हजार किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह के मिलियंस ऑफ पीसेस जो कि 10 सेंटीमीटर से भी छोटे और तकरीबन 30,000 पीसेस उससे बड़े रियली हमारी अर्थ के अराउंड स्पेस में घूम रहे हैं, वो भी खतरनाक स्पीड से। इससे हमें ये तो पता चलता है कि स्पेस में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, वहाँ पर एक छोटा सा तिनका भी बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जिस एक्सट्रीम स्पीड पर वो घूमते हैं वो एक्टिव सैटेलाइट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खत्म कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, स्पेस के कचरे पर, जिसे फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा है, और इससे भी बड़ा खतरा क्या हो सकता है और कैसे हमें इससे टैकल करना पड़ेगा। 1957 से लेकर आज तक हमने 8,000 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेजी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आधी ही सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो एक्चुअल में एक्टिव है, काम कर रही है, बाकी तो सब कचरा है कि वो काम ही नहीं करती, ज्यादातर तो डिसफंक्शन है या फिर खराब हो चुकी है, और ऐसे ही फालतू स्पेस में अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, और उनमें से तो कुछ डबल डेकर बस से भी बड़ी है। और इन्हीं डेड सैटेलाइट का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं एक्टिव सैटेलाइट से जाकर टकरा ना जाए। कई बार तो ऐसा हो भी चुका है कि कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर सैटेलाइट टकराते टकराते बची हुई है, और कई बार टकरा भी चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, 2009 में रशिया की डेड सैटेलाइट एक एक्टिव रेडियम कम्युनिकेशन सैटेलाइट से टकरा गई, और उसके कचरे से हजारों छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में फैल गए। जब ये सैटेलाइट और स्पेस डेब्रिस आपस में टकराते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन बना देते हैं, वो कचरा आगे जाकर टकराता है, फिर उसका और कचरा बनता है, फिर वो और आगे जाकर किसी और चीज से टकराते हैं, और फिर और ज्यादा टुकड़े होते हैं। और इसी फेनोमेनन को केसलर सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये कुछ कोरोना वायरस जैसा है, बहुत ही स्पीड से फैलता है, इसीलिए इस वायरस के चलते एक ऐसा भी वक्त आएगा कि हम रॉकेट भी स्पेस में नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि जब वो स्पेस में जाएगा किसी न किसी चीज से टकरा जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर स्पेस में जो कचरा है उसका एक छोटा सा टुकड़ा किसी कंट्री के मिलिट्री सैटेलाइट से टकरा जाए तो इससे दुनिया में कितनी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि वो कैसे पता लगा पाएंगे कि ये कोई स्पेस का कचरा टकराया है या किसी ने जानबूझकर किया है, और इससे कितनी बड़ी बड़ी जंगें भी हो सकती। चलो इसे भी छोड़ देते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ही बात कर लेते हैं, जहां पर अलग अलग कंट्री से लोग रह रहे हैं, उनको स्पेस के कचरे से बचाने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्चने पड़ते, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप से नजर रखनी पड़ती है, सेंसर्स वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेफ रहे। लेकिन कभी कभार छोटे मोटे टुकड़े टकराए जाते हैं जिन्हें ट्रैक भी नहीं किया जा सकता, और वो काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते, जैसे कि ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक आम, एक छोटा सा टुकड़ा उसके बीच टकराया और उसमें से होल ही कर दिया, वो तो शुक्र है कि वो अभी भी काम कर रहा है, नहीं तो बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाना था। अब हमें ये तो पता है कि स्पेस में ये जो कचरा है इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या? वेल, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है ऑर्बिट में और सैटेलाइट को भेजा ही ना जाए। लेकिन हमारे एलन मस्क, जिन्होंने आने वाले सालों में 42,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाने का वादा कर लिया है ताकि फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी तो हो पाए, और ऐसे सैटेलाइट ही जंक वायरस को बढ़ाते हैं, यानी केसलर सिंड्रोम को। साइंटिस्ट ने ऐसी सैटेलाइट भी बनाई है जो अपनी रिटायरमेंट पर अपनी अर्थ ऑर्बिट से अलग होकर अर्थ पर ही गिर जाएंगे या फिर एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ फ्यूचर सैटेलाइट के लिए पॉसिबल होगा ना, अभी का क्या करें? अभी इन एक्टिव सैटेलाइट्स का क्या करें जो कि स्पेस में कचरे की तरह घूम रहे हैं? उनके लिए भी तो प्लान बनाए जा रहे हैं, जैसा कि स्विस कंपनी क्लियर स्पेस एक टेंट टैकल इंटरेक्शन कर रहे हैं जो उन डेड सैटेलाइट्स को पकड़ कर अर्थ पर गिरा देंगे। इससे होगा क्या कि अर्थ पर जिस स्पीड से स्पेस जंक घूम रहा है, ये प्रोजेक्ट उस कचरे का पीछा करेगा, उनकी स्पीड को मैच करेगा और उसको पकड़ेगा और अर्थ पर गिरा देगा। नासा भी डेड सैटेलाइट में रिफ्यूलिंग का काम करने में लगे हैं ताकि उन्हें हार्मफुल जगह से साइट पर खिसका दिया जाए। इसके अलावा पावरफुल लेजर का यूज करके भी इन्हीं डेब्रिस को खत्म या फिर डी ऑर्बिट किया जा सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सब कुछ किया भी जाए तब भी केसलर सिंड्रोम को रोकना इम्पॉसिबल है। कई सारे कंट्रीज को तो इससे डर भी है कि ये स्पेस का कचरा हटाने वाली टेक्नोलॉजी गलत तरीके से भी तो यूज में ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर स्पेस की मशीन को यूज करके या लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्टिव सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो कि नो डाउट बहुत सारे गवर्नमेंट या मिलिट्रीज के लिए काफी सोचने वाला मामला हो सकता है। मतलब अगर स्पेस डेब्रिस को स्पेस से हटाना है तो पैसा और क्रिएटिविटी के साथ साथ बहुत सी नेशंस को साथ आना होगा, ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन भी दिखाना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेस
स्पेस जंग तो बहुत ही नॉर्मल सी बात, लेकिन नहीं, आप तो अर्थ पर आराम से बैठे हो, आपको इन चीजों के बारे में क्या पता हो, ये कितनी खतरनाक है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं वही कोई बड़ा होके साइंटिस्ट बन जाए और वही इसका कोई सोल्यूशन सामने लेकर आ जाए।